हाँ जी, पहले तो लिखो, इट इज अ स्टाइल, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की साइड पे लिख लो, इट इज अ स्टाइल तो ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव्स टू इन्फ्लुएंस, टू इन्फ्लुएंस अदर्स, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। अब देखो, अब स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, लीडरशिप लीडर कौन है पहले तुम? कौन है लीडर? जो मैनेजर है उसको लीडर बोल सकते हैं, हर मैनेजर लीडर बन सकता है, या लीडर होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी बन सकता है कि हाँ, उस स्टेप का बिहेवियर। जैसे हम कहते हैं हमने मैनेजर अपॉइंट कर लिया, ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, पर क्या उनका रोल सिर्फ मैनेजर तक ही है? उनका रोल आगे भी है, सिर्फ उनका मैनेजर का रोल नहीं है कि उन्होंने सुपरवाइज करा, सैलरी ली और खत्म। उनके बहुत सारे रोल्स हैं, उनमें मेन रोल क्या है उनका? लीडरशिप का रोल है, ठीक है। अब लीडरशिप में वो करते क्या है, उनको मेंटोरशिप करते हैं, ठीक है, उनको समझाते हैं, अगर कोई झगड़ा हो जाए उसको सॉल्व कराते हैं, मेन तो मोटिवेटेड रखते हैं अपने एम्प्लॉयज में, उनमें हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन स्पिरिट्स उनको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। हाँ जी, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, ठीक है। चलो आप रीड करते हैं, रीड कर, कौन करेगा रीड? आज आ जाओ। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, Strategic leadership sets the firm direction by developing and communicating vision of future, formulate strategies in the light of internal and external environment, brings about changes required to implement strategies and inspire the staff to contribute to strategy execution. हाँ जी, तो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में क्या आएगा? डायरेक्शन सेट करनी पहले तो, ठीक है, सेट्स द डायरेक्शन बाय डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग द विजन ऑफ फ्यूचर। कैसे डायरेक्शन बताएंगे? हम अपने विजन को बता, इम्प्लॉयज को बताएंगे अपने विजन के बारे में, और उसके बाद स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है वो हमने देखा था, इन लाइट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एंड ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस। उसके बाद जो भी मेरी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी उनके रिगार्डिंग जो चेंजेस करनी है वो कौन करेगा? हमारे लीडर्स करेंगे। आप देखो नीचे आपको लिखा हुआ है एक लीडर को क्या क्या बनना पड़ता है, तो लिखा ना सीईओ है, स्ट्रेटेजिस्ट है, फिर उसके बाद प्रोसेस इंट कल्चर बाइंड बिल्डर, ठीक है, क्राइसिस मैनेजर है, नेगोशिएटर, मोटिवेटर, आर्बिट्रेटर, पॉलिसी इन्फोर्सर एंड हेड चीयर लीडर। ये सारे रोल्स इनको प्ले करने पड़ते हैं। नहीं, एग्जाम्पल्स हैं, दो तीन कर सकता हूँ। आर्बिट्रेटर होता है जैसे कोर्ट में करते हैं, एक तो होता है हम कोई अपना झगड़ा कोर्ट में लेके गए, ठीक है, नहीं मैं बता रही हूँ, ठीक है, एक होता है हम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेटर कौन होता है? ऐसा पर्सन जो झगड़े सॉल्व कराता है, जैसे दो पर्सन में नेगोशिएशन करानी उनका सॉल्व, हाँ जी, नहीं ब्रोकर नहीं, जैसे जो जजेस, जो काम जजेस का होता है वो आर्बिट्रेटर्स करते हैं। आर्बिट्रेशन इनफॉर्मल भी हो जाती है, जजेस के पास जाने के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ता है, पर आर्बिट्रेटर कोई भी पर्सन बन सकता है। चलो आगे है हमारा, मैनेजर्स हैव फाइव लीडरशिप रोल्स टू प्ले। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार, लीडरशिप रोल्स याद रखना बस। हाँ जी, फर्स्ट लीडर्स को क्या क्या करना पड़ता है? क्लोजली मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, उसके बाद है कल्चर ऑफ स्पिरिट द कॉर्प्स, फिर है रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशंस, देन एक्सरसाइजिंग एथिकल लीडरशिप, एंड लास्ट इज पुशिंग करेक्टिव एक्शंस। रीड करो वंश, फर्स्ट पॉइंट। Staying on top of what is happening, closely monitoring progress, sorting out issues, and learning what obstacles lie in the path of good execution. हाँ जी, तो अब उनका क्या काम है? उन्होंने देखना है कि अगर स्ट्रैटेजी, अब हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, अब हम स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन पे आ गए हैं, अब तक हमने फॉर्मुलेशन पढ़ ली, सिलेक्ट स्ट्रैटेजी को हमने सिलेक्ट कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मुले एग्जीक्यूशन कर रहे हैं।
अब लीडरशिप रोल कहाँ आता है, एग्जीक्यूशन पे टाइम पे आता है कि जो हमने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करी थी क्या वो उस अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट हो रही है, ठीक है। तो वहां पे उन्हें क्या करना है, क्लोजली मॉनिटर करना है प्रोग्रेस को कि किस कितनी हमारी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, एंड व्हाट ऑब्स्टेकल्स लाई इन द पाथ ऑफ गुड, और क्या क्या उसमें हर्डल्स आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ एस्पेट्रिक कॉप्स दैट मोबिलाइजेस एंड एनर्जाइजेस ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स टू एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी इन अ कंपिटेंट फैशन एंड परफॉर्म एट हाई लेवल। हाँ जी, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ एस्पिरिट कॉप्स मींस हाई स्पिरिट्स, हाई मोटिवेशन। लीडर्स ने क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मेंटेन करनी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ठीक है, तो देखो जैसे सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब काम जो सारा था मेरा मैनुअल से ऑटोमेटिक हुआ, मैनुअल से कंप्यूटराइज सिस्टम आ गए थे, ठीक है, उस टाइम पे देखो लोगों को कितनी प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। हमने सुना ही है लोगों ने ले ऑफ कर दिए थे या लोगों ने रिटायरमेंट्स ले ली थी कि हमने हमसे काम नहीं होगा। उस टाइम पे जो लीडर्स ने रोल प्ले किया उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल, उस टाइम बहुत सारी कंपनीज भी बंद हो गई क्योंकि लोगों ने काम करने से मना कर दिया था, ठीक है। वहां पे मुझे एक्सेसिव लीडरशिप चाहिए थी, तो वहां पे उन्होंने क्या करा, पहले तो प्रोग्रेस साथ में मॉनिटर करी और उसके बाद लोगों को क्या करा, मोटिवेट करा। थर्ड पॉइंट, फिर उन्होंने क्या करा, रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशंस, अगर कुछ और चेंज आता है उसके लिए भी उन्होंने रिस्पॉन्ड करा। रीड करो। Keeping the organization responsive to changing conditions, alert for new opportunities, bubbling with innovative ideas, and ahead of rivals in developing competitively valuable competencies and capabilities. हाँ जी, कोई नई अपॉर्चुनिटीज है उनको भी देखना और इनोवेटिव आइडियाज लोगों से निकलवाने, ठीक है, जो भी राय, ताकि हम राइवल से क्या रह सके, अहेड रह सके, कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी हम बिल्ड कर सके। और फिर उन्होंने लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, एथिकल होनी चाहिए, एक्सरसाइजिंग एथिकल लीडरशिप। हाँ जी, Exercising ethical leadership and insisting that the company conduct its affairs like a model corporate citizen. And fifth point, pushing corrective पुशिंग actions. करेक्टिव एक्शन मीन अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनके लिए क्या करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे, ठीक है, टू इम्प्रूव द स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। अब Execution. आपने यहाँ पे वर्ड ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमारे पास वर्ड आएगा स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस को। अब देखो ये एग्जाम्पल रीड करो, आप करो। फॉर एग्जाम्पल एन आर नारायण मूर्ति इज नोन एज अ सेलिब्रेटेड बिजनेस कौन है लीडर एनआर नारायण थी, इज नोन एज अ सेलिब्रेटेड बिजनेस लीडर बिकॉज ऑफ द वैल्यूज ही हैड इंस्टीट्यूशनलाइज ओवर हिज टेन्योर एज सीईओ ऑफ इंफोसिस वन ऑफ द ग्रेट लेगेसीज ही लेफ्ट विद इंफोसिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट बिल्ड्स मैनेजमेंट टैलेंट एंड स्ट्रेटेजिक लीडर विद एथिकल विद एथिकल वैल्यूज वैल्यूज उन्होंने कैसे मैनेजमेंट रखी थी अपनी, कैसे थी, एथिकल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट टैलेंटेड। हाँ जी, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लीडर कौन सी बात कर रहे हैं, वो धीरूभाई अंबानी की। चलो कर दो। धीरूभाई अंबानी पायनियर ऑफ रिलायंस ग्रुप वाज एन आइकन इन हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू कॉन्सेप्चुअलाइज एंड क्रिएट स्वीपिंग स्ट्रेटजीज टू रीच कॉर्पोरेट गोल्स एंड प्रोफिशिएंसी इन इंप्लीमेंटिंग हिज स्ट्रेटजिक विजन। धीरूभाई अंबानी हैड द एबिलिटी टू प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन फॉर द कंपनी। देखो इन्होंने क्या दिया, प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन, वही पॉइंट आ गया हमारे पास, एंड स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों को मोटिवेट करा, इंस्पायर्ड एम्प्लॉइज टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट अकम्पलिशमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन। तो इन्हीं क्वालिटीज ने उनको क्या बनाया, एक एक्सीलेंट एक्सीलेंट स्ट्रैटेजिक लीडर बनाया। अब आ जाओ नेक्स्ट, इस पेज लीडरशिप को छोड़ दो, नेक्स्ट पेज। हाँ जी, अब हमने रोल्स तो देख लिया, अब हम देखेंगे स्ट्रैटेजिक लीडर हैज सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या होंगी, देखो रोल्स ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनेंगी, क्या क्या होंगी, पहले स्ट्रेटेजिक डिसीजंस तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बनाने, फिर उनको फॉर्मुलेट करना इम्प्लीमेंट करना, मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, और फिर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज टू इम्प्लीमेंट। उनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, बाय मे फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, पॉलिसी पॉलिसीज बनाई, पॉलिसीज बना के फिर क्या करेंगे, कम्युनिकेट इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे, लोगों को बताएंगे। अब मैनेजिंग ह्यूमन एग्जैक्टली कैपिटल, अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करेंगे, और उसके बाद अगर कोई रेजिस्टेंस कर रहा है उसको, चेंज को मैनेज करेंगे। उसके बाद हमने साथ साथ में कॉर्पोरेट कल्चर पे भी ध्यान रखना है अपने, ठीक है। उसके बाद हम इंश्योर करेंगे कि जो मेरी परफॉर्मेंस है वो सस्टेनेबल हो, सस्टेनिंग हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम। क्लियर। हाँ जी, अब देखो, अब यहाँ पे हम टू लीडरशिप टाइप पढ़ेंगे, लगा।
इसको रीड कर लो, रीडिंग कर। लीडरशिप सेट्स द फर्म्स डायरेक्शन बाय डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग अ विजन ऑफ फ्यूचर एंड इंस्पायर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स टू मूव इन दैट डायरेक्शन। अनलाइक स्ट्रेटजिक लीडरशिप, मैनेजरियल लीडरशिप इज जनरली ठीक है, इन्होंने क्या कंसर्न्ड बोला, सेम चीज आ गई जो हमने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में। ठीक है, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग अ विजन, और उसके बाद उसको क्या करना है, हमने कम्युनिकेट करना है। चलो नेक्स्ट। मैनेजरियल लीडरशिप इज जनरली कंसर्न विद दी शॉर्ट टर्म डे टू डे एक्टिविटीज। टू बेसिक अप्रोचेस टू लीडरशिप कैन बी ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप एंड ट्रांजैक्शनल हाँ जी, लीडरशिप। अब हमने पढ़नी है टू टाइप्स ऑफ लीडरशिप, एक होती है ट्रांसफॉर्मेशनल, एक होती है ट्रांजेक्शनल। हाँ जी, क्या लगता है आपको, वर्ड से सुनो, सोचो। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल, मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग। सेकंड है ट्रांजेक्शनल, क्या बन जाएगा, ट्रांजेक्ट। क्या होता है, क्या लगता है आपको, क्या होएगा ट्रांसफॉर्म में? ट्रांसफॉर्म मीन्स लोगों को बदलना। ट्रांस अप्रोचेज है, अप्रोचेज ऑफ लीडरशिप। दो तरह के लीडर होते हैं अपने पास, एक होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल, एक होते हैं ट्रांजेक्शनल लीडर्स। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स कैसे होते हैं, डायनामिक, मतलब वो उसके मेंटल रेवोल्यूशन करते हैं, मेंटल मतलब रेवोल्यूशन कैसे करते हैं। कि जो प्राइवेट के जूनियर जन को एक हम कहते हैं ना, दो तरह के लीडर होते हैं, कि जो प्यार से समझाए, दूसरा जो डांट के समझाए। ठीक है, कॉर्डिनेटेड है। तो वो चीज होती है ट्रांसफॉर्मेशनल, जो आपको प्यार से समझाते हैं, किसमें, मैनेजरियल चलो। हाँ जी, रीड करो। अब देखो ट्रांसफॉर्म लीडर्स क्या करते हैं, दे यूजेस देयर कैरिज्मा एंड एंथुसियाज्म। कुछ लीडर्स होते हैं ना जिनकी स्पीच सुन के हमें मोटिवेशन आ जाती है कि बस। ठीक है, कैरिज्मा लीडरशिप क्या होता है, शौक। हाँ जी, तो उन उनको देख के बोलते हैं कैरिज्मा, उनकी देख के हमें क्या आ जाती है, मोटिवेशन आ जाती है। ठीक है, एक होता है ना, किसी को देख लिया, अभी आज तो दिन अच्छा गया, आज तो काम करने का ही मन कर रहा है। ठीक है, वो चीज। चलो रीड करो। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल यूजेस कैरिज्मा एंड एंथुसियाज्म टू इंस्पायर पीपल टू एग्जर्ट देम फॉर द गुड ऑफ द हाँ ऑर्गेनाइजेशन। जी, तो उनको हमने इंस्पायर करा ताकि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल मे बी एप्रोप्रिएट इन टर्बुलेंट हाँ एनवायरनमेंट्स। जी, कई बार अब फिर से यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के आ सकता है। हमेशा ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल तब यूज होता है जब ऑर्गेनाइजेशन एक टर्बुलेंट सिचुएशन में होती है, जब मार्केट, हाँ जी, जब मार्केट स्टेबल नहीं होती है, या हमारी कंपनी की सिचुएशन बहुत बुरी चल रही होती है। सपोज हमारी कंपनी में हाई टर्नओवर चल रहा है, ठीक है, कुछ भी सही नहीं चल रहा, प्रोडक्शन टाइम से नहीं हो रही, सप्लायर से माल नहीं आ रहा, ठीक है, वो चीजें, अगर प्रॉब्लम्स आ रही है बहुत ज्यादा, उस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स काम आते हैं। हाँ जी, ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन इंडस्ट्रीज एट द वेरी स्टार्ट और एंड ऑफ द लाइफ साइकल्स। हाँ जी, टर्बुलेंट में क्यों, क्या बोल सकते हैं, या तो कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसका अभी स्टार्ट ही हुआ है, क्योंकि बुरी सिचुएशन तो उसकी हो सकती है, जो भी स्टार्ट हो उसको पता नहीं करना क्या है, और अब एंड हो रहा है, अब ये नहीं पता बचाना कैसे है। ठीक है, इन पुअरली परफॉर्मिंग और ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन देयर इज अ नीड टू इंस्पायर अ कंपनी टू एम्ब्रेस मेजर चेंजेस। जब यहाँ पे हमें मेजर चेंजेस लेके आने होते हैं। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स ऑफर एक्साइटमेंट विजन इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन। हाँ जी, तो इनसे मुझे क्या मिलेगा, विजन मिलेगी, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मिलेगी। ठीक है, दे इंस्पायर इन्वॉल्वमेंट इन अ मिशन गिविंग फॉलोअर्स अ ड्रीम और विजन ऑफ अ हायर कॉलिंग सो एज टू इलिसिट मोर ड्रामेटिक हाँ जी, तो चेंजेस। इंस्पायर कैसे करते हैं हम, गिविन फॉलोअर्स अ ड्रीम, उनको एक सपना दिखाते हैं कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन आज अगर 100 करोड़ पे है, कल इसको हम 1000 करोड़ पे ले जाएंगे, तो तुम्हारी वैल्यू कहाँ होगी। ठीक है, चलो जी। Such a leadership motivate followers to do more than originally expected to do by stretching their abilities and increasing their हाँ जी, तो performance. इससे क्या होएगा, इम्प्लॉयज क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग देयर अबिलिटीज। अब बहुत ज्यादा जी जान लगा के काम, अगर पहले आप 1 घंटा पढ़ रहे थे, अब आप 3 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, एंड इंक्रीजिंग देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, And also promote innovation throughout the organization. और आपके पास इनोवेशन भी आएगी अब। ठीक है, आप नए नए तरीके ढूंढोगे, कैसे शॉर्ट टाइम में हमने रिवाइज करना है। ठीक है, 15 मिनट में एसएम का चैप्टर खत्म करना है, वो चीजें आप लेके आ सकते हो। चलो जी, सेकंड है मेरा ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल। ट्रांजेक्शनल स्टाइल होता है जो नॉर्मल स्टाइल चलता है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल स्टेबल है, सारी वर्किंग हमने सेट करके दी हुई है, बस लोगों को अभी हमने समझाना है, पॉलिसीज बतानी है कि आपने इस तरीके से काम करना है, और उनको इंसेंटिव देते रहना है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव देने हैं, कि अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करोगे तो हम क्या देंगे, आपको अच्छे रिवॉर्ड्स भी देंगे। चलो रीड कर लूं। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल मोर हाँ, इसको हम थोड़े फॉर्म, ये एक्चुअली फॉर्मलाइज्ड अप्रोच होती है, वो इनफॉर्मलाइज्ड अप्रोच होती है।
कॉलेज है ना, ट्रांजिशनल करूं। लीडरशिप स्टाइल फोकसेस मोर ऑन डिजाइनिंग सिस्टम्स एंड कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एंड आर मोर लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद इंप्रूविंग द करंट सिचुएशन। ट्रांजिशनल लीडर्स ट्राई टू बिल्ड एन ऑन द एग्जिस्टिंग कल्चर एंड एनहांस करंट प्रैक्टिसेस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग कल्चर और करंट प्रैक्टिसेस को ही इनहेंस करते हैं, जैसा चल रहा है उसको ही अच्छा करते हैं, कुछ बदलते नहीं है, मेजर चेंजेस नहीं होते। वहां पे क्या करते हैं, एम्ब्रेस मेजर चेंजेस, यहाँ पे वैसे का वैसे ही रखते हैं, थोड़ा सा पर इनहेंस करते हैं। चलो ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल यूजेस द अथॉरिटी ऑफ इट्स ऑफिस टू एक्सचेंज रिवॉर्ड्स सच एज पे एंड स्टेटस। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसमें इसमें हम रिवॉर्ड देते हैं, या तो पे या फिर स्टेटस। दे प्रेफर अ मोर फॉर्मलाइज्ड अप्रोच टू मोटिवेशन सेटिंग क्लियर गोल्स विद एक्सप्लिसिट रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज फॉर अचीविंग और नॉन अचीविंग। क्लियर हो गया जी, रिवॉर्ड्स भी देते हैं और पेनल्टीज भी देते हैं। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल मे बी एप्रोप्रिएट इन सेटिंग एनवायरनमेंट हाँ, ये भी एक डिफरेंस है। इमेच्योर इनमें मेजरली क्या क्वेश्चन डिफरेंस पे आता है, ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजेक्शनल में डिफरेंस क्या है, या आपकी बुक में भी गिवन है, या फिर आप खुद भी बना सकते हो, पीछे क्वेश्चंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ पे मेजर काम आएगा, स्टैटिक में, इनमेच्योर इंडस्ट्रीज में, डाटा परफॉर्मिंग वेल। द साइड इज बेटर सुटेड इन पर्सुएडिंग पीपल टू वर्क एफिशिएंटली एंड रन ऑपरेशन स्मूथली। ठीक है जी, चलो अब हमारा टॉपिक है, इसपे नहीं, इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है स्टार्ट दी सपोर्टिव कल्चर, लास्ट पेज। एनवायरमेंट हाँ जी, कल्चर क्या होता है? एनवायरनमेंट सोसाइटी का परसेप्शन, खुद का भी, मैनेजमेंट का भी। अब आप नए एम्प्लॉय हो, किसी कंपनी में गए, आपको कैसे पता लगेगा कल्चर कैसा है यहाँ का, क्या एक्सपीरियंस करोगे? जब ऑरिएंटेशन होती है तो क्या बताते हैं वो, कंपनी के विजन बताते हैं, कंपनी के बीच थॉट प्रोसेस बस बताते बताते हैं, हैं, और ये भी बताते हैं हम इतने सालों में किस तरीके से काम करते आ रहे हैं, हमारा वे ऑफ वर्किंग क्या है। ठीक है, ये भी बताते हैं, और चेन ऑफ वर्किंग मतलब फिजिक्स बिजनेस। कौन सी ट्रेनिंग होती है जिसमें बीए रिलेशन बताते हैं, वेस्टिव वेस्टिव वर्किंग में पीएसएम इंट्रोडक्शन होता है। हाँ, ओरिएंटेशन भी बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, चलो देखो अब कॉर्पोरेट कल्चर है क्या, इसको डिफाइन कैसे करोगे? कंपनीज वैल्यूज, कंपनी बिलीव्स, बिजनेस प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशंस, वेज ऑफ ऑपरेटिंग एंड इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, एक कंपनी के कॉर्पोरेट कल्चर को बनाती हैं। चलो आओ आगे रीड कर दो। कंपनी हाँ जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज कॉर्पोरेट कल्चर कम फ्रॉम, हमें क्या से कैसे पता कि कॉर्पोरेट कल्चर कैसे ओरिजिनेट होएगा, देखो कैसे पता चलेगा, रीड करो। कल्चर इज मैनिफेस्टेड इन देयर वैल्यूज एंड बिजनेस प्रिंसिपल्स दैट मैनेजमेंट टीचेस एंड प्रैक्टिसेस। हाँ जी, हमें कैसे पता चलेगा, जो वैल्यूज मुझे मैनेजमेंट बताएगी, जो मुझे मैनेजमेंट बताएगी मेनली, तो ठीक है, उसके बाद इन इट्स एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज, इन इट्स स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स, लोगों के साथ वो कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, इम्प्लॉयज के साथ कैसे हैं, ठीक है, ट्रेड यूनियन के साथ कैसे हैं, वेंडर्स के साथ कैसे हैं, ये कम्युनिटी, इन द कम्युनिटीज इन विच इट ऑपरेट्स, कम्युनिटी में वो कैसे वर्किंग कर रहे हैं अपनी। हाँ जी, नेक्स्ट। In the traditions, the organizational maintains in its provisioning practices in employees' attitudes and behavior. In the legends, people repeat about इन employees. एम्प्लॉयज एटीट्यूड एंड बिहेवियर, इम्प्लॉयज कैसे, एक तो है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, इम्प्लॉयज बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, हमें तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, एक में ऐसे होता है इम्प्लॉयज एंटी हो रखे हैं कि हमारे तो मैनेजर हमारे साथ धक्के से काम करा रहे हैं, ठीक है, हमारा तो मन ही नहीं कर रहा, वो चीजें कल्चर बताती हैं। उसके बाद इन द लेजेंड्स पीपल रिपीट अबाउट हैपनिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, लोग हमारे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इन द पीयर प्रेशर दैट एग्जिस्ट, आपस में क्या प्रेशर है लोगों में, उसके बाद इन द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, सुना है आपने कई बार ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स चल रही होती है, क्या होती है वो? अलग करना अलग डिपार्टमेंट्स है, एक दूसरे की रिपोर्टिंग करनी होती है, रिपोर्टिंग करनी होती है तो किसी के बारे में गलत कर देते हैं वो चीजें, और एक एक ही के बारे में सही करते हैं, बाकियों के बारे में गलत कर देते हैं, ये चीजें। ठीक है, और देखो और क्या बोल सकते हो। ऑल दीज सोशियोलॉजिकल फोर्सेस सम ऑफ विच ऑपरेट क्वाइट सिंपली
Combined to define an organization's culture, belief, and practices that become embedded in the company's culture. हाँ जी, एक वन इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल, कई बार हम एक पर्सन को ही देख के कल्चर का अंदाजा लगा लेते हैं। हम कहते हैं मुकेश अंबानी की पर्सनालिटी को देखा कि जैसा ये पर्सन है, हम सोचे कि काम भी इसका वैसा ही होएगा। ठीक है, उस तरीके से भी हम कॉर्पोरेट कल्चर का अंदाजा लगा सकते हैं, या फिर उसके वर्क ग्रुप देख के या किसी डिपार्टमेंट को देख के, उसकी हायरार्की को देख के हम उसके कॉर्पोरेट कल्चर का अंदाजा लगा लेते हैं। चलो, हमारा जो क्वेश्चन आता है, कल्चर एली और ऑब्स्टेकल टू स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। कल हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए जो मेरी स्ट्रेटजी को क्या करे, रिलेट करे या फिर सपोर्ट करे। ठीक है, अब आज हम देखेंगे कल्चर भी वैसा होना चाहिए। क्या कल्चर सपोर्टिव होना चाहिए या एंटी होना चाहिए? सपोर्टिव होना चाहिए। कैसे बताओगे आप मेरी स्ट्रेटजी के साथ कल्चर सपोर्टिव हो, कैसे अगर समझा सकते हो? एम्प्लॉई भी वही सोच रहा है जो कंपनी सोच रही है, सेंस किया तो उतना अच्छा, जो पर्सनल गोल्स है उसको कॉमन होना जो कम इंडिविजुअल गोल्स या कंपनी के गोल्स है वो मैच मैच होने कर चाहिए, रहे हैं, तो ना खुशी है तो फिर वो एडवर्स हो गया वो एडवर्स हो जाएगा। कि ठीक है, सपोज मेरी स्ट्रेटजी है लो कॉस्ट की, तो एम्प्लॉयज कैसे चाहती हूँ मैं, खर्चीले एफिशिएंट नहीं एफिशिएंट। एम्प्लॉयज चाहती हूँ मैं। ठीक है, तो ये चीज होती है, कल्चर है जो स्ट्रेटजी को सपोर्ट करेगा मेरे को। चलो देखते आगे। An organization's culture is either an important contributor or an obstacle to successful strategy execution. इसमें पक्का एक क्वेश्चन बनेगा इस बार, मुझे लग रहा है पक्का। आपके टेस्ट में पेपर में दोनों दोनों ही होएगा। चलो बिलीव्स देखते हैं, मेरे टेस्ट में तो होएगा ही, उसमें पता नहीं। विजन ऑब्जेक्टिव एंड द बिजनेस अप्रोचेस एंड प्रैक्टिसेस Underpinning a company's strategy may or may not be compatible with its culture. हाँ जी, तो हमने इसमें क्या बोलना है, वेन द स्ट्रैटेजी इज कंपैटिबल। ठीक है, इसमें लिख सकते हो आप वेन द स्ट्रैटेजी इज कंपैटिबल, चाहे ऊपर ही लिख लो कंपैटिबल के ऊपर, वेन द स्ट्रैटेजी इज कंपैटिबल, अगर स्ट्रैटेजी कंपैटिबल है तो कल्चर बिकम्स अ वैल्यूएबल एली इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। तब क्या होएगा, मेरे लिए फायदा हो जाएगा। बट वेन द कल्चर इज इन कॉन्फ्लिक्ट, अगर कल्चर अलग है विथ सम एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनीज डायरेक्शन परफॉर्मेंस टारगेट एंड स्ट्रैटेजी। परफॉर्मेंस टारगेट हमारे कुछ है, कल्चर हमारा कुछ चल रहा है, तो उस कल्चर क्या बन जाएगा, बिकम्स, इसमें काट को लिख दो, ऑब्स्टेकल, बिकम्स एन ऑब्स्टेकल इन सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, बिकम्स ऑब्स्टेकल इन सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब नीचे इसको एक्सप्लेन करेंगे, रीड करो। रोल ऑफ कल्चर इन स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग कल्चर प्रमोट्स गुड स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन व्हेन देयर इज फिट एंड इंपीडेंस एग्जीक्यूशन व्हेन देयर इज नेग्लिजिबल फिट अ कल्चर ग्राउंडेड इन वैल्यूज प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर नॉर्म्स दैट मैच व्हाट इज नीचे आ जाओ, डिमांडेड फॉर एग्जाम्पल पे अ कल्चर वेयर प्रायोरिटी एंड थ्रिफ्ट आर वैल्यूज फर्मली शेयर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स इज हाँ वेरी जी, हेल्पफुल एंड यूजफुल जहां पे जो इम्प्लॉयज है वो क्या है, प्रूडेंट है, इसी जगह वर्ड यूज कर लो, प्रूडेंट। इम्प्लॉयज क्या है मेरे, मेंबर्स जो है वो प्रूडेंट है। अगर तो वहां पे क्या होएगा, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी, जो मेरे मेंबर्स है वो देख के ही खर्चा करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर स्पेंडिंग नहीं है। पर क्या यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन ला पाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेफ चलना चाहते हैं। तो अगर डिफरेंशिएशन लानी है तो हमें कैसा चाहिए रहेगा, डायनामिक डायनेमिक इन्वायरमेंट चाहिए होगा, एक्सपेरिमेंट और हमें खर्चा खुला करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेंडिंग पे बहुत ज्यादा हमें वो कंजूसी नहीं करनी है यहाँ पे। चलो जी, अब देखो, रीड करो इसको। अ कल्चर वेयर अ कल्चर वेयर क्रिएटिविटी इम्प्रेसिंग चेंज एम्ब्रेसिंग चेंज, जहां पे क्रिएटिविटी हम कहेंगे या फिर एम्ब्रेस चेंज बोलेंगे कि नए नए आइडियाज लेके आओ। ठीक है, आगे एंड चैलेंजिंग द स्टेटस क्वो स्टेटस आफ्टर क्लियर, चैलेंजिंग द प्रेजेंट सिचुएशन, हम नहीं चाहते कि प्रेजेंट से हमने बहुत ज्यादा चेंज लेके आना है, उसको चेंज करना है, मेंटेन। हाँ जी, आर प्रिवेसिव थिंग्स, इज वेरी कंड्यूसिव टू सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट इनोवेशन हाँ एंड जी, टेक्नोलॉजिकल तब लीडरशिप हम क्या ला पाएंगे, एक प्रोडक्ट इनोवेशन लेके आ पाएंगे एंड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप स्ट्रैटेजी, तब हमारी ये वाली स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी। ठीक है, A culture built around such businesses, principles
एज लिसनिंग टू कस्टमर्स एनकरेजिंग अगर हमारा एम्प्लॉयज कल्चर ऐसा है कि हम लोगों को सुनते हैं, कस्टमर्स की सुनते हैं और इम्प्लॉयज को एनकरेज करते हैं टू टेक प्राइड इन देयर वर्क, तो क्या होएगा? दिस स्ट्रैटेजी ऑफ डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू, तो हम क्या कर पाएंगे, अपने कस्टमर्स को अच्छी वैल्यू डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, आ जाओ नीचे, अब इसके आप साइड पे लिख लो, ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर में। बराबर हाँ, इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर, या फिर जब आपको कभी पूछ लेगा कॉर्पोरेट, अगर एलई पे पूछता है तो आप इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट। वर्क एनवायरनमेंट वेक कल्चर मैचेस द कंडीशन फॉर गुड स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन प्रोवाइड्स अ सिस्टम ऑफ इनफॉर्मल रूल्स एंड पीयर प्रेशर रिगार्डिंग हाउ टू कंडक्ट बिजनेस इंटरनली एंड हाउ टू गो अबाउट डूइंग वंस जॉब स्ट्रेटजी सपोर्टिव कल्चर शेप द मूड टेम्परमेंट एंड मोटिवेशन द वर्क फोर्स हाँ जी, अगर स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर होएगा तो उससे क्या होएगा, मेरी वर्कफोर्स क्या रहेगी, मोटिवेटेड रहेगी। अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी वर्क हैबिट्स एंड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स कॉर्पोरेट एंड हाउ कस्टमर्स आर ट्रीटेड ठीक है, एक आप ये कर लो, इम्प्लॉयज आर स्टिमुलेटेड टू टेक ऑन द चैलेंजिंग, इम्प्लॉयज को हम मोटिवेट करेंगे कि आप क्या करो, चैलेंज लो टू रियलाइज अ कंपनीज विजन, और क्या करो टू ब्रिंग द, हाँ, डू द जॉब्स कॉम्पिटेंटली एंड विद एंथुसियाज्म टू ब्रिंग द स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन, लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हो जाएंगे आपके पास, यहाँ से लेके स्टार्ट हो जाएंगे। चलो जी, अब तक हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट कल्चर के साथ क्या है हमारा, सपोर्ट है। अब हम देखेंगे अगर सपोर्ट ना करे फिर क्या होएगा, ना कंपनीज क्या करते होएगा, क्या होएगा, पहले पूछ रहे हो। गोल्स कंफ्लिक्ट हो जाएंगे, मैनेजर्स कितनी भी मेहनत कर ले फिर भी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, और इनएफिशिएंसी एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज कहेंगे बन तो रहा नहीं, एक तरफ आप कह रहे हो डिफरेंशिएशन लेके आने, ऊपर से आप खर्चा नहीं कर रहे, फंडिंग नहीं दे रहे हो, छोड़ देंगे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देंगे। ठीक है, इन शॉर्ट क्या हो जाएगा, इन ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, स्लो डाउन भी बोल सकते हैं, ब्रेक ब्रेक तब होगी अगर हमने, जब स्लो हो जाएगी तब भी हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलो, तो इससे क्या हो जाएगी, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप देखो, अब कहता, ठीक है, पहले देखो इससे क्या हो जाएगी, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम अगर क्रिएट होगी तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, इम्प्लॉयज को सुन के, हाँ, इम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को सुन के हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलो भंजा, आप रीड कर लो। changing the company's culture to align it with strategy is among the toughest management tasks easy to talk about than do. Changing a problem culture is very difficult because of the heavy anchor of deeply held values and habits people are clinging emotionally to the old and familiar. It takes concerted management action over a period of time to replace an unhealthy culture with a healthy हाँ जी, culture. अगर हमें हेल्दी कल्चर बनाना है तो इसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम कह भी दें कि चलो 4 महीने 5 महीने हम कर लेंगे, पर अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे कल्चर चेंज करना है तो एटलीस्ट मिनिमम 2 to 5 ईयर्स हमें लग जाएंगे। ठीक है जी, तो देखो इसमें पॉइंट्स क्या क्या लिखने हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, टू डायग्नोज द एलिमेंट्स लिख लो इसके जगह, एलिमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट कल्चर विच आर स्ट्रैटेजी सपोर्टिव एंड विच आर नॉट। पहले हमने देखना है कौन से एलिमेंट्स मेरी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक एलिमेंट्स, और उसके बाद हम चाहेंगे कि मैनेजर्स जो है इकट्ठे होके बैठे हैव टू टॉक ओपनली एंड क्या करें वो, अबाउट दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द कल्चर दैट हैव टू बी चेंज। फिर मैनेजर सोचे बैठ के कि क्या क्या हमें चेंजेस लानी पड़ेंगी।
ओवरऑल कंपनी की बात कर रहे हैं, जैसे कभी कभी ऐसे रहता है डिपार्टमेंट में अच्छा है तो बैंक में नहीं है, तो इंडिविजुअली इंडिविजुअली बोल सकते हैं, पर अगर डिपार्टमेंट वाइज लोगे एटलीस्ट कल्चर तो पूरी कंपनी का ही होएगा ना, कल्चर तो पूरी कंपनी का ही, एक डिपार्टमेंट का कल्चर होता क्या है। नहीं वो तो आप बैठे, बट सपोज एक पूरी चेन है अगर पूरे एचआर के ऊपर से नीचे जाता है, वो उनका टॉप मैनेजमेंट उन्हें पसंद नहीं जो एचआर हेड है, तो और एम्प्लॉयज भी खुश नहीं एचआर के लिए, वहीं पे दिक्कत है ना वहां पे मतलब। दिक्कत है फिर मतलब ऑल ओवर ही हमारे बिलीव्स गलत है ना, फिर तो ऑल ओवर ही बिलीव्स हमें चेंज करने पड़ेंगे किस तरीके से लोगों में हैंडलिंग करनी है। हाँ जी, और उसके साथ में क्या करना पड़ेगा, रिवाइजिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज को रिवाइज करना पड़ेगा जिससे एक कल्चरल चेंज लेके आएगा। और उसके बाद लोगों को क्या दो, कॉम्पनसेशन दो, दैट टू रिवॉर्ड द डिजायर्ड कल्चर बिहेवियर। और उसके बाद क्या करो, रिकॉग्नाइजिंग पीपल हु डिस्प्ले द, अगर किसी ने कुछ चेंज करा है तो उनको रिकॉग्निशन भी दो, ठीक है। और क्या कर सकते हो तुम, नए मैनेजर्स ले आओ जो हमारे कल्चर में फिट करते हैं, फॉर द डिजायर्ड कल्चर बिहेवियर, जैसा मुझे कल्चर चाहिए वैसे ही मैनेजर्स ले आओ। क्या पूछना इस पे क्या क्वेश्चन बनेगा, तो ये तो यही बनेगा क्वेश्चन कि प्रॉब्लम कल्चर को कैसे चेंज करोगे, ठीक है। जो ऊपर से अगर हम चले, पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया, व्हाट इज कॉर्पोरेट कल्चर, कल्चर पहले तो कहाँ से आता है, फिर हमने देखा, देखो कहाँ से कल्चर आया हमारा, मैनेजमेंट प्रीचेस में, पॉलिसीज से आया, इम्प्लॉयज के बिहेवियर से आया, लोग हमारे बारे में क्या बात करते हैं वहां से आया, और पीयर प्रेशर्स पे आया, और फिर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स से आया, ठीक है, ये चीजों से हमारा कल्चर आया। फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा, क्या कल्चर सपोर्टिव होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, एली या फिर कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। अगर एली है तो क्या हाँ, अगर एली है तो रोल क्या है वो चीज आ जाएगी, अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो कैसे चेंज करेंगे, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उनके इसमें वही लिखा हुआ है, इसमें सिंपल यही बताया हुआ है कि स्ट्रैटेजी अगर कल्चर के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती है तो हमें क्या नुकसान है, तो आप यही बोलोगे कि इससे क्या आ जाएगी, एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगी, इसमें ये मार्क कर लो आप, कि अगर हमारा कल्चर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, ठीक है, कल्चर स्ट्रैटेजी के साथ लड़ाई चलती रही तो क्या हो जाएगा, मेरी मैनेजरियल एफर्ट्स क्या हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक स्ट्रांग फिट चाहिए मेरे स्ट्रैटेजी और कल्चर के बीच में, ठीक है। और उसके बाद फिर चेंज कैसे करना है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम कल्चर को हम चेंज कैसे करेंगे, वो चीज बताई हुई है, बस इसको कट कर दो आगे, कुछ नहीं करना है। अब देखो ये खुद से पढ़ के देखो, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्राप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर पढ़ो पहले, इंट्रा मैं बताऊंगी। हाँ जी, कौन होता है एंटरप्रेन्योर, करके सिंपल नहीं सिंपल वर्ड में बताओ एंटरप्रेन्योर कौन है, वर्ड और सिंपल इनिशिएटिव सोल प्रोपराइटर, कोई भी जो नया बिजनेस लेके आता है नई सोच के साथ, वो एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। जो जॉब नहीं करता, जो एक नया बिजनेस शुरू कर लेता है, जो स्टार्टअप कर लेता है, वो कौन है, एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है जी। अब बताओ आगे, अब बोलो क्या क्या पढ़ा।
सिंपल वर्ड्स में पहले इसको ये बोलेंगे, जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। सारे रिस्क लेगा पहले तो, ठीक है, और एफर्ट्स सारे लगाएगा, कैपिटल भी लगाएगा, कैपिटल भी रेस करेगा, जैसे जो शार्क टैंक पे आते हैं लोग, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। और बताओ, और क्या करेगा, पैसा कैपिटल कमाएगा। हाँ जी, इंटरेस्ट सारी एक्टिविटीज खुद ही करेगा। हाँ जी, ठीक है, चलो ये कर लोगे सारे फीचर्स। इसमें है कोई पूछने वाला? सुंदर पिछाई का नाम सुना सबने, अपडेट सी ऑफ गूगल, करेगा। अल्फाबेट का है वो, पहले मतलब वो तो है, पर सीईओ अल्फाबेट के है या फिर गूगल के है? अब अब उनका भी हो गया। तो दोनों इज एन एंटरप्रेन्योर। हाउ? लेकिन हाँ जी, इनका प्रेन्योर है। वो एम्प्लॉय है, बट वो उसकी वर्किंग एंटरप्रेन्योर की तरह है। हाँ, बट उसकी वर्किंग एंटरप्रेन्योर की है, उन्होंने अपनी कंपनी समझ के उसको काम किया, इसीलिए उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। अब इंटरप्रेन्योर में क्या, उन्होंने कोई खर्चा करा, कोई कैपिटल लगाई नहीं, बना बनाया मिला, बस क्या करा उन्होंने, डिसीजन डिसीजन लगाई, एफर्ट लगाई, ठीक है, बाकी सारे रिसोर्सेज कौन से यूज करे, अपनी कंपनी के यूज कर लिए। सबको नहीं बोलेंगे, तो सारे जितने भी सीईओज हैं वो अपनी थोड़ी कोई कैपिटल जो सीईओज हैं मोस्टली वो अपने फाउंडर्स भी होते हैं ना, इंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो इम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी होते हैं, लगाएंगे। दोनों नहीं हो सकते। इंटरप्रेन्योर मेनली जो इम्प्लॉइज होते हैं, जो अपनी कंपनी को समझते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर पहले इम्प्लॉइज होते हैं, वो सीईओज नहीं होते, सीईओज की तो अपनी कंपनी है, लेकिन पर फर्स्ट उन्होंने स्टार्ट कैसे करा, एज अ इम्प्लॉय स्टार्ट करा ना उन्होंने, लिमिटेड होते हैं और इनकी से ना तो कंपनी को ही पूरी देखना कंपनी को ही देखते हैं। हाँ जी, चलो अब रीड करो इसको पहले। हाँ इसको एक बार यहाँ से पढ़ लेंगे, अगर आपको सिमिलर लगा तो बुक से कर लेना, अदरवाइज फिर इसके नोट्स ले लेना। ठीक है, हाँ वो जी, वो नहीं है, वो नहीं है, ये इसका ही मैट्रिक स्ट्रक्चर है, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम। वो क्या थे? जनरल 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 मतलब क्या होते हैं, क्या था वो? हेलो, मतलब हाँ जी, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ये हमारा रह गया था ना कल, कल कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पढ़े थे? लाइन वाइज सही, मुझे सिंपल, फिर सिंपल में फंक्शंस ऐड करके फंक्शनल हो गया, फिर डिवीजन भी बढ़ा दिए, फिर मल्टी डिविजन हो गया, फिर मल्टी डिविजन में एक्सपी डाल दिया, फिर एक नेटवर्क पढ़ा, एक आर ग्लास पढ़ा, ठीक है। आज हम करेंगे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इसको हम सिंपल में ये भी बोल सकते हैं, जब हमने सिंपल से फंक्शनल गए, ठीक है, फंक्शनल में सपोज मान लो हमारे पास तीन चार अगर प्रोजेक्ट
प्रोडक्ट्स आते हैं, तब हम एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। जब ये, हाँ, जब ये परमानेंट हो जाता है फिर ये डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ हो जाता है। जब हम टेम्पररी एक बार बना के देखते हैं तब मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या रहेगा, इसमें सारा मेनली हॉटस्पॉट सिस्टम रहेगा। इसमें क्या आएगा, देखो ये चलेगी एक तो हॉरिजॉन्टल, ऐसे भी चलेगी वर्किंग, ये ऐसे भी चलेगी। ठीक है, जैसे ये हो गए प्रोजेक्ट्स, सपोज इन्होंने किया, एक एग्जाम्पल लिया किया कि सपोज चार प्रोजेक्ट्स किया, सोनेट है, सेल्टॉस है, और कौन सी है, कार्निवल आ गई। ठीक है, सपोज किया कि चार प्रोजेक्ट्स हैं और चारों ही किसके जो वर्क वर्क कर रहे हैं, अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी ड्यूअल अथॉरिटी चलेगी। चलो आ जाओ रीड करते हैं। पहले हमेशा जब भी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आपने बताना है तो आपने बताना है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। हाँ जी रीड कर दोगे मेंशन में उड़ू। The combination of the functional and division structure, then in any organization, the functional structure usually does not change. It is the organizational normal departments or divisions such as finance. फंक्शनल में क्या क्या आएगा, वही फाइनेंस एंड मार्केटिंग, और डिविजनल हमने कल पढ़े थे कैसे सकते हैं, बाय प्रोडक्ट, ब्रांड, कस्टमर और जियोग्राफिक रीजन। कोई पढ़ के आया मैंने जो होमवर्क दिया था डिविजनल का? चलो डिविजनल हमने ये देखा था, बाय प्रोडक्ट हो सकती है, बाय ब्रांड, या फिर एक जियोग्राफिक रीजन से हो सकती है। ठीक है नेक्स्ट। In a matrix structure, manages group people and resources in two ways and हाँ groups. जी, फिर आप क्या बोलोगे, मैनेजर्स को लोगों को क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं दो तरीकों में, बाय फंक्शन भी काम करेंगे और बाय डिवीजन भी काम करेंगे। ठीक है, टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ठीक है नेक्स्ट। Functions are organized on one axis and projects on the other हाँ axis. जी, एक तरफ फंक्शन होंगे और एक तरफ हमारे क्या होंगे, प्रोजेक्ट्स The होंगे। matrix structure links employees from different parts of the organization to work together on specific projects. हाँ जी, इसको ध्यान से पढ़ना, एग्जाम्पल आपके। For a specific project, a manager, product manager, project manager assembles a group of employees from different functional areas. They usually work एक in प्रोजेक्ट के लिए teams. हमने क्या करा, डिफरेंट फंक्शनल एरिया से लोगों को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं बनी हुई, हमने, हमारा एक प्रोजेक्ट आया उसके लिए मुझे अलग अलग फंक्शनल एरिया के लोगों की जरूरत थी, तो मैंने इसको ग्रुप कर लिया आगे। A team made up of उससे people. हमने क्या बनाई है, एक टीम। कभी सुनते हैं ना कंपनीज में किस कौन सी टीम में आप, टीम वाइज वर्क को हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। हाँ जी, Made up of people from production, purchasing, and human resources effectively. Could work on project A, another on project B, and so on. Each employee reports to two managers, one हाँ जी, functional तो यहाँ and पे क्या one रहेगा, दो मैनेजर्स को रिपोर्टिंग चलेगी, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को भी चलेगी और एक project. फंक्शनल मैनेजर को भी चलेगी, पर सुपरविजन किसकी रहेगी, मेन प्रोजेक्ट मैनेजर की। ठीक है चलो। A hypothetical example using Kia Motors. The functional structure might be the departments of engineering, finance, production, marketing. Each headed by a vice president. So the reporting arrangement is vertical. ठीक है, तो रिपोर्टिंग कैसे चलेगी, वर्टिकल Vertical. चलेगी इनकी। The divisional structure might be the product. The new model Seltos, Sonet, and Cardinal, for example. Each headed by a project ठीक है, ये manager. चलेंगी प्रोजेक्ट वाइज, जैसे इनकी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं अगर। This reporting arrangement is horizontal. So the marketing person say would report to both the product president of marketing and the project manager for Kia Seltos. तो जो मार्केटिंग पर्सन है, जो मार्केटिंग कर रहा है, वो एक तो अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट से बात करेगा, ठीक है, और एक करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर से। ये देखो जैसे ये है, ठीक है, अब सपोज मार्केटिंग का पर्सन है, अब वो इससे भी इंटरेक्ट करेगा, इसकी सुपरविजन में वो काम करेगा कि किस तरीके से इसकी मार्केटिंग करनी है, और प्लस अपने हेड को भी बताएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। चलो The idea behind the matrix structure is to combine the benefits of the M form. हाँ जी, एम फॉर्म के जो बेनिफिट्स है उसको कंबाइन कर देंगे विद दोज ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर, दोनों के ही हमारा कंबाइन हो जाएगा, और डिविजनल डिविजनल डिविजनल। उसके बाद ये पॉपुलर क्यों करा, पहले तो ये कहाँ पे पॉपुलर है, एट हाई टेक्नोलॉजी एंड एमएनसीज पे। ठीक है, जहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है, वहां पे इसको हम लगाते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को। अब देखो डेवलपमेंट बनता कैसे है, पहले तो देखो किसने दिया, कई बार इस नाम से क्वेश्चन आता है फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। डेविस एंड लॉरेंस, इन्होंने कैसे बताया डेवलपमेंट ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। कभी भी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एक तरह से नहीं बनेगा, इसके क्या होंगे स्टेप्स हैं, तीन स्टेप्स हैं। फर्स्ट हमें क्या बनानी है, क्रॉस फंक्शनल टास्क फंक्शनल फोर्स। क्रॉस फंक्शनल क्योंकि हमारे पास मल्टी टास्क फंक्शनल यूनिट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट के लिए बना देंगे। ठीक है, और उसके बाद मेच्योर, जब हमारा प्रोडक्ट पक्का हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, तब एक बन जाएगा मेरा मेच्योर मैट्रिक्स। चलो रीड करो। क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स इट इज अ टेम्परेरी क्रॉस फंक्शनल फोर्सेस
which are initially used with a new product line is being introduced in an organization. In this task force, the project manager is charged as the key horizontal link. ठीक है, पहले क्या बना मेरा क्रॉस फंक्शनल बना, जहां पे मैंने अभी प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करी है. हां जी, उसके बाद प्रोडक्ट ब्रांड मैनेजमेंट द क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स बिकम्स मोर हाँ, पहले वो क्या थी, मेरी टास्क फोर्स थी. ठीक है, वहां पे मैंने क्या था, प्रोजेक्ट मैनेजर को बना लिया था, वो मैंने अपने इंचार्ज बना दिया था हॉरिजॉन्टल लिंक का. फिर उसको क्या करा, थोड़ा सा परमानेंट हो गई टास्क फोर्स, तो अब क्या बन गए, वो प्रोजेक्ट मैनेजर बिकम्स अ ब्रांड मैनेजर. प्रोडक्ट से वो क्या बन जाएंगे, एक ब्रांड मैनेजर बन जाएंगे. मैच्योर मैट्रिक्स इट इन्वॉल्व्स अ ट्रू ड्यूअल अथॉरिटी स्ट्रक्चर. अब हमारे पास ट्रू डुअल अथॉरिटी हो जाएगी, मैं इसको बोलेंगे हम ट्रू डुअल. हाँ जी, अब वो क्या बन बोथ जाएगी. बोथ द फंक्शनल एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स आर परमानेंट. ऑल एम्प्लॉइज आर कनेक्टेड टू बोथ द वर्टिकल फंक्शनल मैनेजर एंड हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट जो मैनेजर. इम्प्लॉइज है वो दोनों से ही कनेक्टेड रहेंगे, अपने फंक्शनल मैनेजर से भी वो बात करते रहेंगे और अपने डिविजनल मैनेजर से भी बात करते रहेंगे. डिविजनल मैनेजर नहीं बोलते यहाँ पे, क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट मैनेजर बोलते हैं. ठीक है, तो पहले क्या होते हैं, इसको ऐसे स्टेप्स में याद करना, पहले टास्क फोर्स होती है, फिर सेकंड क्या बनती है, वो ब्रांड या फिर प्रोडक्ट, उसके बाद थर्ड में क्या बन जाता है, ड्यूअल अथॉरिटी बन जाता है, फिर हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट मैनेजर बोल देते हैं उसको. ठीक है, एडवांटेजेस द एडवांटेजेस ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज. प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रोजेक्ट के क्लियर. ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हमें सॉनेट से क्या उम्मीदें हैं, हमारे पास क्लियर है. ठीक है, बेटर फिर कंट्रोल बेटर कंट्रोल रहेगा क्योंकि उसी परफॉर्मेंस. प्रोजेक्ट पे ही बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं. फिर इम्प्लॉयज को क्लियरली अपनी परफॉर्मेंस पता चलेगी, और फिर कहाँ पे सूटेबल है ये अपनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे क्या है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है. अब लिमिटेशंस खुद बताओ, दो तीन तो बताई दूंगी. कि जब ड्यूअल रिपोर्टिंग हो जाती है तो फिर मतलब एम्प्लॉय को बोलता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता है. डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता है, एप्लीकेशन और जो बोलता मैनेजमेंट में पढ़ते थे ना, कौन सा प्रिंसिपल होता था वो 12th में, कि अथॉरिटी क्लैश हो जाती है कि कुछ और बोलेगा, कुछ और यूनिटी ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड ब्रीच हो जाती है. हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या, दो पर्सन को रिपोर्टिंग करनी है. ठीक है, और ओवरलोड ओवरलोड ऑफ वर्क हो जाएगा, ऑफ टाइम कंज्यूमिंग है. चलो देखो, लिमिटेशंस. लिमिटेशन ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आर एज़ फॉलोज. कॉम्प्लेक्सिटी इन इंप्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन में कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि हॉजपॉज ही ऐसा देखा जाए, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, पहले तो ये सेटअप ही करना पड़ेगा हमें बहुत सारा. ठीक है. कॉस्टली बिकॉज़ क्रिएट्स मोर लाइंस ऑफ पोजीशन न्यू लाइंस ऑफ अथॉरिटी अबॉलिशन ऑफ द यूनिटी कमांड ये प्रिंसिपल. सारे डुअली पे ही चलेगा. ठीक है, पहले तो डुअल लाइंस ऑफ अथॉरिटी हो जाएगा, फिर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट भी, उनको भी रिवॉर्ड देने, इनको भी रिवॉर्ड देने हैं. ठीक है, फिर रिपोर्टिंग भी दो बार जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे मुझे इस कम्युनिकेशन सिस्टम बिठाना पड़ेगा बहुत अच्छे से. ठीक है जी, ये हमारा स्ट्रक्चर है. चलो, दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर. सभी सभी के मूड्स इजी रहे.